हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट्स। फ्रेंड्स, अक्टूबर का मंथ आ गया है और अक्टूबर के मंथ में बहुत सारे हमारे हाउस प्लांट्स ऐसे हैं जो कि डोरमेंसी में चले जाएंगे। डोरमेंसी यानी कि प्लांट्स का रेस्टिंग टाइम। डोरमेंसी में क्या होता है कि प्लांट्स अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। बहुत सारे हमारे हाउस प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं, लेकिन बहुत सारे हाउस प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी लीव्स नहीं गिरती हैं। इस टाइम में बहुत से पौधों की पिंचिंग करनी पड़ती है जो कि हम विंटर्स के लिए रेडी करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स को प्रून करना पड़ता है, जैसे कि गुलाब। गुलाब के पौधों को इन दिनों में नर्सरीज में प्रून किया जाता है। और कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी हमें कटिंग करनी होती है, क्योंकि अक्टूबर में अभी सर्दियाँ नहीं आएंगी, नवम्बर से सर्दी शुरू होगी, तो एक महीने का टाइम है। अगर हम उनको कटिंग कर देंगे तो उससे उनमें नई ब्रांच आएगी। और इस मौसम में प्लांट्स को कट करने का फ़ायदा ये होता है कि एक महीने के अंदर उनमें नई ब्रांच आ जाती है, तो जितनी ब्रांचेज होंगी प्लांट उतना ही ज़्यादा बुशी दिखेगा और रूट स्ट्रक्चर जो होता है वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। जो लेगी प्लांट्स होते हैं उनमें ये फ़ायदा होता है कि उनका स्टेम मजबूत हो जाता है। तो आइए, सबसे पहले तो हम हमारा जो हिबिस्कस का पौधा है इसकी हम कुछ एक ब्रांच को कट कर देंगे। कट इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेज ऐसी हैं जो नीचे से बढ़ती जा रही हैं, तो प्लांट का न्यूट्रिशन, ये छोटी छोटी सी ब्रांच काफ़ी सारा न्यूट्रिशन नीचे से ही ले लेती हैं, तो हम इनको कट कर देंगे तो ऊपर की तरफ इस पौधे का जो बढ़ाव है वो बढ़ेगा। तो चलिए हम इस प्लांट की कटिंग करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स की मैंने सेटिंग चेंज कर दी है। पहले मैंने शेल्फ में रखे हुए थे, लेकिन अब सारे ही जेड प्लांट को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इनको मैंने इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लिया है। और वो कौन सा प्लांट है जिसकी मैं इस वाली बालकनी में प्रूनिंग करने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो डेविल्स बैकबोन का पौधा होता है, इस प्लांट की भी प्रूनिंग हम कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये प्लांट। और इसके बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये डोरमेंसी में चला जाता है और पत्तियाँ भी गिरा देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक तो ये मेरे पर्सलिन और पोर्चुलाके के प्लांट्स हैं, इनकी प्रूनिंग भी मैं इसी वीडियो में करूँगी। प्लस ये जो मेरा कॉर्नर में कनेर का प्लांट रखा हुआ है इसकी भी मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो चलिए कटिंग करते हैं। अब इनमें क्योंकि नए प्लांट्स लगाने हैं, मैं सोच रही हूँ कि नेस्टेरियम के सीड्स मेरे पास रखे हैं, मैं हर साल ही उन्हें ग्रो करती हूँ, तो उनके सीड्स मैं इनमें लगा दूँगी। और ये जितनी भी कटिंग्स हैं इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। अपनी नेबर के गमलों में और आंटी के गमलों में या सोसाइटी में से किसी को भी चाहिए होगा तो मैं ये कटिंग्स उनको दे दूँगी, तो उनके पास भी ये सेव हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आपके पास भी इस तरीके के प्लांट्स हैं जिनकी प्रूनिंग और कटिंग आपने करनी है, तो उन प्लांट्स की प्रूनिंग और कटिंग ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, और अपने गार्डनिंग करते रहिएगा, प्रूनिंग करते रहिएगा, नए पौधे लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।